दोस्तों अभी तो ठंडा का क्लाइमेट आ चुका है। अभी दिसंबर महीना चालू है और ठंडा का क्लाइमेट, ठंडा में जब शाम को ऑफिस आने के बाद में गर्म गर्म सूप पियेंगे ना, कुछ अलग हम हो जाते और बॉडी भी गर्म हो जाते, क्यों ना ट्रेवलिंग करना पड़ता है ऑफिस आने के बाद में। ये तो थोड़ा सा बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, तो हमको थोड़ा सा गर्म सूप चाहिए। चलिए आज शुरुआत करेंगे हमारे की टमाटर का सूप, जो आसान से बनेगा और टेस्ट भी बहुत लगेगा। चलिए शुरुआत करेंगे हमारा टमाटर का सूप। आप लोग को स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल को। दोस्त लोग अभी टमाटर का सूप करने पहले हम प्याज को बारीक बारीक में कट कर लेंगे। पहले स्लाइस कट करेंगे, बाद में बारीक बारीक करके छोटा छोटा बारीक करके कट कर लेंगे। मैं प्याज एक लिया और आधा में कट करके डालूंगा, आधा में निकाल दूंगा, इतना ज़्यादा प्याज हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। और अदरक भी लिया है मैं, एक इंची का अदरक भी लिया है। अदरक को भी आप काट कर सकेंगे और इसको धो लेंगे पहले। अब क्या मैं लिया, लाल वाला टमाटर तीन लिया है, लाल वाला लिया, आप भी लाल वाला लिया। लाल वाला टमाटर सूप है ना, बहुत मजा आएगा और खाने के लिए बहुत टेस्ट लगेगा। चलिए लाल वाला टमाटर में तीन नंबर लिया है, इसको भी कट कर लेंगे। दोस्तों जब टमाटर सूप बनाते हैं ना और आसान से बन जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट में आपको टमाटर सूप मिल जाएगा। और गरम गरम टमाटर सूप और ठंडा क्लाइमेट, बहुत मज़ा आ जाएगा खाने के लिए। अभी मैं कुकर में टमाटर सूप बनाने वाले, मैं कुकर में 2 स्पून ऑयल ऐड किया, 2 इलायच और ब्लैक पेपर, ब्लैक काला मिर्ची 10 से 20 नंबर इसमें ऐड किया और अदरक भी ऐड किया। अभी मैं टमाटर पहले ऐड करूँगा, प्याज ऐड नहीं करूँगा, पहले टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को 1 मिनट तक स्लो फ्लेम में फ्राई करेंगे, तो टमाटर में टमाटर सूप का फ्लेवर तो चाहिए ना दोस्त, टमाटर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट फ्राई करेंगे, भूंजेंगे। अभी ऐड करूँगा मैं जो आधा प्याज कट किया था, मैं प्याज ऐड करूँगा। और प्याज ऐड करने बाद में मैं नमक भी इसमें ऐड कर लूँगा। नमक जब हम टमाटर पहले ऐड करते ना, और प्याज और टमाटर दोनों मूव टेस्ट हो जाएगा और जल्दी बॉयल भी हो जाएगा। मैं क्वान्टिटी के ऊपर डिपेंड करके नमक इसमें ऐड किया, अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मैं थोड़ा सा शुगर ऐड किया, 1 स्पून शुगर ऐड किया और लाल मिर्ची पाउडर भी ऐड किया, रेड चिली पाउडर। अभी अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ता भी हरा वाला ऐड कर लेंगे। अभी मिक्स कर लेंगे। जब भी मिक्स होने के बाद में 1 मिनट के बाद में हम गर्म पानी ऐड करेंगे। 1 ग्लास में गर्म पानी लिया है, ऐड किया है। अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुकर को क्लोज कर लेंगे। जब कुकर को क्लोज करता है ना प्रेशर कुकर को, तो हमारा हाई स्पीड में 3 व्हिसल आ जाएगा ना, गैस को बंद कर लेंगे। हाई स्पीड में 3 व्हिसल आ जाएगा तो गैस को बंद कर लेंगे, बंद करके छोड़ लेंगे। कुकर का टॉप प्लेट जो है ना, प्लेट ऊपर का कैप है, उन्हें निकालेंगे, ऐसा ही छोड़ लेंगे। ऑटोमेटिक गैस रिलीज हो जाएगा ना, तभी हम कुकर का प्लेट निकालेंगे। अभी मैं ब्रेड लिया है, जो टमाटर सूप में बहुत मजा आता है डालने के लिए। मैं चारों तरफ का ब्रेड है ना निकल देता हूँ और सेंटर वाला जो स्मूथनेस है ना वो लेता हूँ मैं। चारों तरफ का जो ब्रेड है आप फेंको मत, इसको अच्छे से रोस्ट करके अब मिक्सर में पाउडर बना के कोई पकौड़े के लिए, क्रिस्पी के लिए आप यूज कर सकेंगे। अभी मैं चारों तरफ से निकाल दिया, अभी मैं ब्रेड को निकाल के रख देंगे। एक कढ़ाई में मैं 2 स्पून घी ऐड लिया, मैं घी लिया 2 स्पून। अभी ऐड करूँगा मैं ब्रेड, ब्रेड को मीडियम फ्लेम में रख के क्रिस्पी दे देंगे टमाटर सूप में, वो हमारा बहुत मज़ा आ जाएगा वो टमाटर सूप में खाने के लिए। तो ऐसा आपको जैसा ज़्यादातर स्ट्रांग चाहिए तो स्ट्रांग भी क्रिस्पी बना सकेंगे, नहीं तो मीडियम भी हो जाएगा। आप क्या करेंगे, अभी अभी बाजू में निकाल देंगे। अभी टमाटर सूप हमारा गैस रिलीज हो चुका है कुकर का, अभी हम अच्छे से मिक्स करेंगे, ठंडा करने के लिए छोड़ लेंगे, फैन का नीचे रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब भी टमाटर सूप ठंडा हो जाता है तभी हम इसको मिक्स करेंगे ग्राइंडर में, ग्राइंडर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे, सेम प्रोसेस सेम में ही मिक्स करेंगे, इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। जूस मिक्सर में छान लेंगे, देखिए दोस्त लोग हम इसको छान लेंगे। हमें इसमें प्याज टमाटर का भी ऊपर का छिला रहेगा और काला मिर्ची रहेगा, इलायची भी रहेगा, इसको हम छीन के निकाल देंगे। अभी मैं कढ़ाई में 1 स्पून घी नहीं तो बटर भी ऐड कर सकेंगे और एक टमाटर सूप जो छाना था इसमें ऐड करेंगे। देखिए कितना खूबसूरत हमारा टमाटर सूप बनाए। टमाटर सूप जब भी बनाता है ना दोस्तों, थोड़ा सा गाढ़ा भी चाहिए,
देखिए हम पानी ऐड नहीं किया है, अभी ऊपर क्या करेंगे, सफ़ेद वाला क्रीम ऐड करेंगे। टमाटर सूप में क्रीम ऐड करते हैं ना, इतना मज़ा आता है ना दोस्त लोग, बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए। खास ठंडे के दिन में ना सूप कोई भी बहुत मज़ा आता है। आपके लिए मैं और कुछ सूप लेकर आऊँगा, जैसे वेजिटेरियन सूप, चिकन सूप, मटन सूप, एग सूप लेकर आऊँगा एक एक ही। ये मेरा पहला टमाटर सूप। आप लोग को कैसे लगा हमारा वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। आप लोगों को धन्यवाद, आप लोग फुल वीडियो हमको देखने के लिए और थोड़ा हमको टाइम देने के लिए। थैंक्स।